हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार, आप सभी देख रहे हैं बीइंग यूनिक टीवी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे पास आके पहुंच चुका है फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट, जो कि है सैनसुई चेतक स्पीड 400 mm 3 ब्लेड पेडस्टल फैन, जो कि 65 वाट का है। इसका दो वेरिएंट है, 65 वाट एंड 130 वाट, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये है वो प्रोडक्ट जो कि मुझे चार्ज किया गया ओनली 1649 रुपीज़। आपको अभी भी मैं दिखा देता हूँ, प्राइस चल रहा है 1699 रुपीज़। तो आपको अराउंड 1500 to 1700 रुपीज़ के अंदर ये फ़ैन देखने को मिल जाएगा 65 वाट का, एंड 100-200 ज़्यादा देंगे तो 130 वाट का भी वो आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट से। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सारे डिटेल्स इस वीडियो में कंप्लीटली इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड जो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा, स्पीड टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा कि आपको 2024 में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए, अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में फिर आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बॉक्स जो कि ओपन बॉक्स था, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसे ओपन नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं सैनसुई का यहाँ पे लिखा गया है, ब्रांडिंग पैकेजिंग काफ़ी सही से होके आया है, एंड यहाँ पे एक आपको मिलेगा, इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे ओपन करते हैं, कम्प्लीटली आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ, एंड देखते हैं हमारा किस तरह से वेलकम करता है सैनसुई। हालांकि दोस्तों, सैनसुई का मैं कभी फ़ैन पास्ट में यूज़ नहीं किया हुआ, ये मेरा पहला यूज़ है। तो यहाँ पे कवर दिया गया था, यहाँ पे इनसाइड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि आपको देखा देता हूँ, ये है। तो काफ़ी पैकेजिंग सही से होके आया है, काफ़ी सेफ पैकेजिंग है। फिलहाल देखते हैं क्या है बॉक्स में। अभी ये है, तो ये जो आपको स्टैंड के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसे फिलहाल यहाँ पे रख लेते हैं वन बाय वन, एंड देखते हैं बॉक्स में पहले क्या क्या निकल के आता है, उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। ठीक है, ये आपको एक रॉड देखने को मिल जाएगा जो कि कनेक्ट करता है फैन को। यहाँ पे आपको एक वो स्टैंड गया, एंड यहाँ पे आपको एक कवर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी सही क्वालिटी का है लग रहा है, एंड यहाँ पे आपको सैनसुई का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, कवर के साथ आता है। यह आपको एक प्लास्टिक का फैन 3 ब्लेड वाला देखने को मिल जाएगा, इसे कर लेते हैं साइड में। अब दोस्तों देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। यहाँ पे आपको मोटर देखने को मिल जाएगा, तो मोटर काफ़ी हैवी है। यहाँ पे आपको इस तरह से सेफ्टी के साथ बॉक्स में देखने को मिलेगा, काफ़ी सेफ्टी मेंटेन किया गया है सैनसुई की तरफ से। यहाँ पे ये कवर को निकाल लेते हैं। दोस्तों निकालने के बाद आप देख सकते हैं, ये है वाइट कलर का मोटर, जो कि यहाँ पे हम यूज़ करने के बाद बता सकते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेगुलेटर वगैरह दिया गया है, वाइट कलर का है, एंड वायर आप देख सकते हैं, वायर का मटेरियल भी काफ़ी सही है, 2 पिन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है बॉक्स में। अभी देख लेते हैं बॉक्स में और क्या है। और दोस्तों कुछ नहीं, आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा, इंस्ट्रक्टर मैनुअल आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं बॉक्स में फिलहाल कुछ नहीं है, इसे कर लेते हैं साइड में। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं सब कुछ ओपन कर दिया है। यहाँ पे मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा फोकस करने के लिए। यहाँ पे मैं ऑलरेडी सब कुछ ओपन कर दिया है असेंबली करने के लिए। आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट सब कुछ बॉक्स से, जो भी मैं आपको सामने अनबॉक्स किया था, ये कवर ववर सब निकाल दिया है, एंड मैं टेस्ट भी कर चुका हूँ ताकि मैं आपको कोई गलत जानकारी गलती से ना दे दूँ, इसीलिए मैं कम्प्लीटली टेस्ट भी कर चुका हूँ असेंबली करके। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कम्प्लीटली आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा ताकि आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई भी टेक्नीशियन को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं भी है वो भी आप स्पून वगैरह इस्तेमाल करके आप होममेड पे भी कोई भी जुगाड़ लगा के कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्क्रू ड्राइवर भी होना चाहिए, आप स्पून का जो बैक साइड है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास है, यहाँ पे ये है दोस्तों फ्रंट गार्ड, जो कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट गार्ड, यहाँ पे सैनसुई लिखा गया है, इसे मैं लगाऊंगा, एंड ये है बैक गार्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ब्लेड का प्लास्टिक, ये प्लास्टिक मटेरियल का, एंड ये जो मटेरियल है ये थोड़ा सा आयरन जैसा लग रहा है, एंड यहाँ पे प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया गया है गार्ड में। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। ये प्लास्टिक ब्लेड है जो कि ब्लू कलर का है,
एंड ये मोटर है जो कि काफ़ी हैवी है, ये भी प्लास्टिक मटेरियल है। इनसाइड आपको मोटर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आयरन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कैप वगैरह सब कुछ ओपन कर लिया है। ये हमारा लेग है, लेग एंड ये आपको इनर पाइप एंड यहाँ पे आपको बेस पाइप देखने को मिल जाएगा जो कि इसे कनेक्ट करता है, ये स्टैंड कनेक्ट करता है ये मोटर एंड जो आपका फैन को, ठीक है। तो इसे कम्प्लीटली असेंबली करेंगे एंड आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कर पाएंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये जो आपको कुछ नॉट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इससे पहले ओपन कर लीजिए, ठीक है। मैं ऑलरेडी 3 ओपन कर चुका हूँ, आपके सामने और एक ओपन कर रहा हूँ। तो इसे असेंबली करने के लिए पहले आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये है कम्प्लीटली प्लास्टिक, ये हार्ड प्लास्टिक, ये सॉफ्ट प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है एक कवर के लिए। तो ये जो बेस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया गया है, हालांकि ये प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये नॉट ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे कवर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो ये बेस एंड इनर पाइप देखने को मिलेगा, ये जो पाइप है इसे दोस्तों आप ये जो प्लास्टिक मिल रहा है ग्रीन कलर का, तो इसे दोस्तों आप ऊपर कर लेना। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए देखने को मिलेगा। इसे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से फिट करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपको नॉट मिला होगा वो नॉट को यहाँ पे आपको फिट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बताया था होममेड जुगाड़ पे आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बैचलर्स वगैरह इसे लो प्राइस में ऑर्डर करते हैं, उनके पास तो स्क्रू ड्राइवर वगैरह नहीं होते हैं, तो उसके चक्कर में वो टेक्नीशियन बुला लेते हैं एंड वो कुछ ज़्यादा चार्ज भी ले लेते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप होममेड एक स्पून का बैक साइड या दोस्तों इस तरह से एक चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैं सही से इसे फिट कर लिया है एंड आपको ध्यान रखना है कि ये लूज ना रहे, ताकि आपका जो फैन है वो मोटर वगैरह हैवी है, तो इसे फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार दोस्तों ये फिट हो गया तो आपका फ़ैन सही से फिट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सही से फिट हो गया है, ठीक है। तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है, जो कवर है इसे आराम से इसे लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो आपको मिल रहा है ये रोटेट करेंगे, ये एडजस्टमेंट है, जो इनर पाइप एंड बेस पाइप है वो एडजस्टमेंट के लिए आपको एक यहाँ पे रोटेशन के लिए एक लॉक देखने को मिल जाएगा, जो कि टाइट करने के लिए आप लूज़ कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे फ़िलहाल मैं कुछ इस तरह से करके यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं फिलहाल ये टाइट हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको मोटर किस तरह से फिट करना है, ठीक है। तो ये हो गया मोटर, आपको दोस्तों यहाँ पे आपको एक लॉक देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसे आपको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे इनर जो रॉड है पाइप है उसके साथ इसे फिट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो ये लॉक मिल रहा है ध्यान से देखिएगा, ये लॉक को आपको टाइट करना है, ठीक है। इसे आपको टाइट करना है आपके हिसाब से, तो इसे भी दोस्तों सही से टाइट कर लेना। कभी कभी दोस्तों आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी टेक्नीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे असेंबली कर सकते हैं, कम्प्लीटली इंस्टॉल कर सकते हैं सारे पार्ट को, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है एंड ये जो बताया आप एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसे थोड़ा सा इसे अभी नीचे कर लेता हूँ एंड अभी ये सही से फिट हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली फिट हो चुका है। अब दोस्तों आपको एक यहाँ पे भी लॉक देखने को मिल जाएगा, जो कि आप मूवेबल वगैरह कर सकते हैं यहाँ से इसे एडजस्ट करने के लिए, फिलहाल मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, आप कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सही से, ये आपको एक बैक गार्ड देखने को मिल जाएगा। तो बैक गार्ड को क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको दोस्तों और एक बात बता देता हूँ, आपको ये मैंने निकाल दिया है, पहले आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से जब आप न्यू खरीदेंगे आपको इस तरह से कैप देखने को मिलेगा, इसे दोस्तों आपको पहले निकाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो गार्ड है बैक गार्ड इसे दोस्तों इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद जो कैप आप ओपन किए थे उसे दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इसे लगा लेना है, ठीक है। ये सही से फिट हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ब्लेड लेना है, ब्लेड को दोस्तों यहाँ पर बैक साइड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, एंड फ्रंट साइड इस तरह से आपको बैक साइड को इस तरह से लगाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये थोड़ा सा आपको स्क्वायर टाइप का फ्लैट दिखेगा, यहाँ पे भी आपको अगर होल देखेंगे यहाँ पे भी आपको फ्लैट दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं
काफ़ी सही सही है। ज़बरदस्ती मत घुसाएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेप, उस हिसाब से होल सेप एंड ये रॉड से जो मोटर का सेप है उस हिसाब से आपको कनेक्ट करना है। बनाइए, अंदर नहीं जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको एक जो कैप मिलेगा ग्रीन कलर का, उस कैप को दोस्तों यहाँ पे लॉक कर लेना है कुछ इस तरह। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक मेंशन होगा। राइट साइड करेंगे तो ये अनलॉक होगा, लेफ्ट साइड पे आपका लॉक होगा। तो राइट साइड कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, तो आपको लेफ्ट साइड इस तरह से, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन मेंशन है, यहाँ पे इस तरह से आपको ब्लेड को टाइट कर लेना है, सही से टाइट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं ये सही से टाइट हो गया है। एंड इस तरह से लगाना ताकि ये जो ब्लेड है वो रोटेट हो पाए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ब्लेड जो है वो रोटेट हो रहा है, तो काफ़ी स्मूथली रोटेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ब्लेड एंड जो गार्ड है उस पर टच हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से जो फ्रंट गार्ड है इसे लेना है। हम फ्रंट गार्ड कनेक्ट करता है एक आपको इस तरह से इनर कवर, जो कि इसे आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो गार्ड रिंग मिल रहा है, गार्ड रिंग को दोस्तों थोड़ा सा लूज़ करके, यहाँ पे आपको नॉट मिल रहा है ये थोड़ा सा लूज़ करके इस तरह से फिट कर लेना है। उसका दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान से टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो फ़ैन है मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ये आपको जो रिंग दिया जा रहा है गार्ड रिंग, इसे कनेक्ट कर लिया है। फैन कम्प्लीटली असेंबली हो चुका है। मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा आपको दिखा ले किस तरह से मैं असेंबली कर चुका हूँ। यहाँ पर बैक साइड भी मैं दिखा देता हूँ। यह बैक साइड काफ़ी सही से असेंबली हो चुका है, नीचे से ऊपर तक कम्प्लीटली सही से यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एंड उम्मीद है कि आप लोग भी घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो प्लग है, इसे यहाँ पे पावर देके देखते हैं कि फ़ैन किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे दोस्तों पावर को हमने दे लिया है। अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये रेगुलेटर फ़िलहाल जीरो पे था, मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसे ऑन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूव भी हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह से ये मूव हो पा रहा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे इसे मूवेबल को ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे पीछे रेगुलेटर आपको मिल जाएगा, इसे दोस्तों इस तरह से ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो रेगुलेटर है ये फ़िलहाल जीरो स्पीड पर है, अभी उसको अगर आप टू करेंगे स्पीड बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों आप इसे थ्री भी कर सकते हैं, टोटल थ्री स्पीड है। तो आप देख सकते हैं फैन किस तरह से अभी वर्क कर रहा है, कम्प्लीटली सेट हो चुका है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक हो रहा है, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि फोकस करने के लिए। देख सकते हैं थ्री नंबर पे किस तरह से सेक हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सेक हो रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा रेगुलेटर को कम करके, यहाँ पर भी ये सेक हो रहा है, यहाँ पर भी टू करता हूँ ये सेक हो रहा है। तो बॉडी स्टेबल है, ये जो मोटर है थोड़ा सा सेक हो रहा है। जब आप वन नंबर पे नहीं हो रहे, टू एंड थ्री नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन हवा भी ठीक ठाक है। 1500 के अंदर आप बोल सकते हैं कि ये सही है। मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक कॉटन है जो कि मैं आपको दिखाऊँगा इसका टेस्ट करके। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये तीन नंबर पर है अभी फ़ैन, एंड ये हमारे पास कॉटन है तो आप देख सकते हैं ये तीन नंबर पे है। आप देख सकते हैं हवा कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपको टू नंबर करके दिखा देता हूँ। तो दो नंबर पे कुछ इस तरह से है, एंड अभी मैं आपको वन नंबर करके दिखा रहा हूँ। तो वन नंबर का स्पीड हवा का कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी तीनों देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ तीनों का कंपैरिजन, आप एक बार देख लीजिए। तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे तीनों देखने के बाद मिल जाएगा स्पीड का अंदाज़ा किस तरह से ये स्पीड देता है फैन। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँगा ये एक एवरेज फ़ैन है, लेकिन अगर आप बिलो 1500-1600 पे सोच रहे हैं इसे लेने के लिए, तो मैं बोलूँगा कि आप इसे ले सकते हैं। 1500 के लिए सही है, मैं इतना वाव नहीं कहूँगा इस फ़ैन को कि ये अगर आप 3000-2000 प्लस होता तो मैं बोल सकता था। हालांकि 1500-1600 के प्लस होता तो मैं बोल सकता था कि एक बिलो एवरेज है, लेकिन 1500 बजट में ये काफ़ी ठीक ठाक फ़ैन मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसे परचेस करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है,
आप डायरेक्टली इसे क्लिक करके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं एंड इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मार्केट में बहुत सारे इसी वाट में 2600-3000 तक का फ़ैन मिल रहा है, लेकिन 1500 में 65 वाट का फ़ैन ये मुझे ठीक ठाक लगा, तो आप इसे ले सकते हैं एक नॉर्मल स्मॉल रूम यूज़ के लिए। ज़्यादा लोगों का यूज़ ये नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट, अगर बिग रूम है इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, छोटा स्मॉल रूम के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा आपको। एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली फ़ैन है जो कि काफ़ी सही लगा मुझे एंड ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में दी बेल आइकन को दबाना ताकि आप नोटिफिकेशन पा सके हमारे हर न्यू वीडियो का। मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमें सोशल मीडिया से हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में हम लोग अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है bingunity@gmail.com, आप चाहें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें देता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नई वीडियो लेकर। आप देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल बींग यूनिक टीवी।